गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर। सबसे पहले देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीग्रल एंड क्यू लेस देन डज नॉट इक्वल टू जीरो इज नोन एज रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जाएँ उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। चले हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 2A। Which of the following are rational numbers? ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इसमें से बताना है कि कौन से इसमें से हैं रैशनल नंबर्स। चैप्टर नंबर 2 है रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 2A। 3 इज रैशनल नंबर्स एज इट बी एक्सप्रेस्ड एज 3/1। ये देखिए 3 है, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि ओवर के बाद नीचे हमेशा 1 ज़रूर होता है, इसलिए 3/1 होगा। ये एक 3 इज़ अ रैशनल नंबर्स एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3/1। फोर्थ है -3/1 इज़ अ रैशनल नंबर एज इट इज़ इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, क्योंकि ये देखिए पी ओवर क्यू और क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि क्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है -3/-1 इज़ आ रैशनल नंबर एज इट इज़ द फॉर्म पी ओवर क्यू और क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इंटीग्रल्स। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1 है 7/1 और क्वेश्चन नंबर 3 है -9/1। तो रैशनल नंबर्स क्या है 7/1 और इंटीग्रल इसमें क्या है 7। रैशनल नंबर क्या होगा 7/1 और इंटीग्रल क्या है 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है -9/1 क्या है हमारे पास, ये रैशनल नंबर है और इंटीग्रल क्या है -9। जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास वो क्या उसे बोलेंगे इंटीग्रल। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। राइट डाउन द रैशनल नंबर्स होज नंबर्स इज -7/2 एंड होज डिनोमिनेटर इज -21-2। चलें सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल टू -7/2 है, -7/21 × 2 और -2, क्योंकि देखें -7/2 और सेकंड क्या है डिनोमिनेटर में क्या है 21-2। -7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -14, 7 × 2 = 14 और 21 में से माइनस किया 2 तो 19, ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्रेस इन -3/7 एज अ रैशनल नंबर्स हुज डिनोमिनेटर इज 6 और क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास 3 वैल्यू। सबसे पहले देखें -3/7 जो हमें गिवन है इज इक्वल टू -3/7 × 2। तो क्या होगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस -2-5 एज अ रैशनल नंबर्स हु डिनोमिनेटर इज 5 और क्वेश्चन नंबर 3 में है 40। सबसे पहले देखें माइनस
टू और माइनस फाइव जो गिवन है मल्टीप्लाई किया किससे किया, माइनस वन, और डिनोमिनेटर में भी माइनस वन से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस और टू आ गया, फाइव को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखें एट को टू से मल्टीप्लाई किया सिक्सटीन और फाइव को एट से मल्टीप्लाई किया फोर्टी, माइनस माइनस प्लस का। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सबसे पहले देखें माइनस सेवन ओवर वन है, थर्टी वन ओवर माइनस थ्री, वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है क्योंकि हमें आंसर में पॉजिटिव चाहिए, इसलिए माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, इसलिए थर्टी वन पॉजिटिव है, और थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया वो भी थ्री भी है पॉजिटिव वैल्यू। आप इस लेक्चर को नोट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर हम अपना कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।